व्यापारी नेता और समाज सेवी दीपक अग्रवाल ने दीपावली के मौके पर मलिन बस्तियों में पहुंचकर मिठाइयां और सामान वितरित किया। मिठाइयां और सामान पाकर मलिन बस्तियों के लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने व्यापारी नेता दीपक अग्रवाल का आभार जताया। साथ ही इस दौरान व्यापारी नेता और समाज सेवी दीपक अग्रवाल ने कहा कि दीपावली का त्यौहार हर कोई हर्षोल्लास के साथ मना सके, किसी भी घर में दीपावली पर अंधेरा ना रहे, इसलिए आज उनके द्वारा कपूर कंपनी स्थित झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर यहां रहने वाले लोगों को मिठाइयां, खिले, बताशे और सरसों का तेल साथ ही दीपक वितरित किया गया, ताकि ये लोग दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना सके। ये दीपावली का सामान है, इसमें केले होती हैं, बताशे होते हैं और दिया होते हैं, बत्ती होती है, इसी तरह के ये सभी 11-12 आइटम है और सरसों का तेल होता है। तो ये इसलिए बांटा जा रहा है कि कोई भी घर दीपावली के बगैर ना रह पाए, और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने स्तर पर जितना भी थोड़ा प्रयास कर सकते करें, और इसको बांटने से लोगों के चेहरे खिल गए और देखा आपने कि ये बच्चे मुस्काने लगे। कितने वर्षों से बांटते आ रहे हैं? ये कई वर्ष हो गए, अभी तो याद नहीं, लेकिन जब जब हमें लगता है हम ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो काफी बरसों से दीपावली और अन्य त्योहारों पर झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सामान वितरित करते चले आ रहे हैं, ताकि ये लोग भी अपने त्योहार को हंसी खुशी मना सकें।